सेपरेट गाड़ी करते हैं, तो इसका आपको पूरा घूमने का आप ये देखो चीजी है पागल बे बैग लेकर पर चढ़ गया मिस्टर ऊंचो। और अपना जो नाइट का जो मजा है मनाली के अंदर वो एक्सप्लोर करते हैं एंड बताते हैं आपको क्या कोस्टिंग मिलते हैं। कल हम जा रहे हैं भाई ट्रैक के लिए, तो वो वीडियो बिल्कुल जरूर देखना क्योंकि मीडियम ट्रैक कर सकते हैं। ओ मम्मी पहाड़ पे आ गए। तो फाइनली अपन आ चुका भाई मनाली के अंदर। ठीक है, पूरी ही पूरी अनप्लान ट्रिप है, कुछ नहीं प्लान नहीं हमारा, मतलब वैसे हमने कुछ प्लान नहीं करा कि क्या क्या करना है, बट बस हमारे भाई साहब दीपक भाई साहब ये देखो चेहरा देख लो तुम ये वाला। ठीक है, इस चेहरे ने बोला है कि हम ट्रैकिंग करेंगे एंड पता ना क्या क्या करेंगे, तो क्या क्या कराओगे आप हमें? देखो स्माइल से बस चल रहा है, कुछ प्लान ना है भाई हमारा, कुछ भी प्लान नहीं है बस। ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या क्या करना है, जो करेंगे प्राइस के साथ बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा ताकि कभी तुम आ रहे हो तो तुम्हारे साथ फ्रॉड वगैरह ना हो। अभी फिलहाल भाई अपने ना होटल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो करते हैं होटल बताते हैं कैसे कैसे क्या रहने वाला है। तो चलते फिलहाल इस जर्नी को एंजॉय करते हैं एंड बने रहना भाई साथ में। ठीक है, चलो अभी होटल चलते हैं। भाई कुत्ता थोड़ी है यार वो। आप लोग अगर आप लोग सेपरेट गाड़ी करते हैं तो इसका आपको पूरा घूमने का आपको कम से कम 8,000-8,500 रुपए गाड़ी का खर्चा रहता है पर पर्सन। नहीं नहीं गाड़ी का। अच्छा ठीक है, अच्छा गाड़ी में आप सारी चीजें घुमाओगे? सुनिए सुनो, अगर आप लोग सेपरेट गाड़ी लेके घूमते हैं ना, आपका रोहतांग अटल टनल सोलंग वैली, ठीक है, ये होता है एक दिन का। ठीक है, बड़ी गाड़ी का रेट चला हुआ है 6,500 रुपए अभी। ठीक है, ये अभी 4-5 दिन पहले था 9,000 रुपए, अब हो गया 6,500। ठीक है, और साइकिल टूर जाएंगे आप कुल्लू नगर जाना वाटरफॉल ना ब्रदर, उसका हो गया 4,000 रुपया। ठीक है, गाड़ी का आप लोग अगर सेपरेट गाड़ी लेके घूमते हैं 9-10,000 गाड़ी का हो गया, 9-10,000 रुपए गाड़ी का ही होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी का खर्चा आएगा सिर्फ। भाई अभी हम लुटते बच्चे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था जो वीडियो में, मतलब बार्गेनिंग वगैरह कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, वो बंदा हमें बना था लेकिन हम बने नहीं। तो अब हम जा रहे हैं अपना होटल ढूंढने, हमारी बातचीत हो चुकी है, अगर उससे वहाँ पर हमारी बातचीत बन गई ना बढ़िया तो वहाँ का एड्रेस बता दूंगा, वहाँ पे आ जाना, प्राइस वगैरह बता दूंगा। ठीक है, और भाई मौसम की बताऊँ ना, मौसम यहाँ पे हो रहा है मतलब ऐसा है कि एसी में 20 डिग्री इतना है। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक है मौसम, बढ़िया मजे आ रहे हैं, बस अपने गाड़ी वाड़ी मिल जाए। ओ भाई यहाँ पे भाई का तगड़ा सिस्टम चल रहा है भाई, यो बंदा पता क्या कह रहा, 800 रुपये वो बंदा आया, वो बंदा जा रहा भाई, वो आया वो कह रहा 600 रुपये, ये बंदा 600 पाएगा। इतना तगड़ा स्कैम चलता भी रे भाई, समार भाई का तो मूड ऑफ हो गया। 4 किलोमीटर में 600 रुपये दे रहा बस, पर मतलब कितना होटल है नूना पे देख ले मैं एक बार। ले भाई बानो गुस्सा आ गया भाई, अब क्या करें बता भाई, अब बता क्या करते भाई, एनसीए वाली करनी पड़ेगी। चलो पैकिंग करते चलते हैं, 600 रुपये 4 किलोमीटर के। ठीक है, वर्थ है ना? तो मैंने भी आगे बैठे नहीं, मैं मोटा हूँ, मुँह तो सोच मुना व्लॉग बना लूं तो सोच यार, मैं बना दूंगा व्लॉग, तू नहीं बना पाएगा ना व्लॉग, मैं बना दूंगा मेरी जान। तो भाई गाड़ी छोड़ के अपन चल दिए अपने पैदल वाले राइड पे, ऐसा देसी वाला काम आके तो चलते हैं। यानी देखो भाई होटल वोटल तगड़े थोड़े बना रखे हैं हमारे साथ, यहाँ पे सीन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा लूट मची है, तो हमें थोड़ा सा ये अलग बोल रहा है, मैं अलग बोल रहा हूँ, ये अलग बोल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हमारे रिश्तों में। मेरे को इसे इसको हकने जाना, बताओ क्या कोई मतलब है? कल 7 बजे का निकलूंगा आज। ले भाई आ गया अपना होटल, पता नहीं मैं इन्हें बताया कौन सा है, देखो बिल्कुल ट्रेडिशनल मतलब जिनका तरीका ना कपड़े वपड़े धोने का, बिल्कुल चिल्ड पानी, चिल्ड पानी, चिल्ड पानी। अरे हमारी बुद्धि घूम ली रे, हमें बस आराम करना है अब थोड़ी थोड़ा। आगे का 7 बजे तक लेके है ले, प्रॉपर्टी में नहीं घुस गया हम, 1 बजे तो उफ 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 मॉडिफाइड स्विफ्ट। वे एक चीज दिखाऊं तुम्हें, ए ए दिखाऊं, ये देखो चीजी है, तो सच चीजी है। अरे बेटी पोगो की याद आ गई से देख के मुझे, गोल्डन रिट्रीवर है पोगो, तेरा सस्ता पोगो। हेलो यार कितना मस्त है यार, फ्लफी फ्लफी सा
ले आऊं के मैं भी फिर से ले आऊं एक को चलो भाई रूम देख ले यार ये देखो ट्रेडिशनल पे क्या यहाँ बर्फ पड़ती होगी पर तेरी यार यहाँ सिस्टम अजीब सा क्यों है ये भाई रूम दे रहा है हमें ठीक है क्या रही रे लाइट वाइट चस्ती है भाई बहुत सेक्सी लगता है ये चीज पूरा ही बना रखा है भाई हमें 15-20 मिनट हो चुके चलते चलते इसीलिए बोलते हैं जब भी कुछ आओ कुछ करो तो प्लान के साथ करो ट्रैकिंग करनी पड़ रही है ट्रैकिंग के पहाड़ पे देख सीधा रोड है टेढ़ा ऐसे 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 लो भाई बैग तो धर दिया मैंने अपना मैं थोड़ा सा चिंता फ्री हूँ भाई कौन सा इनमें से इनमें से है कोई सा आगे क्या और ब्लू वाली इसके साथ में ओ वहाँ है ए वहाँ है वहाँ ठीक है भाई यो भाई जिसका वाटर बॉटल है ठीक है इनके बताएंगे प्राइस वगैरह बताएंगे सब बताएंगे भाई दो रही है ठीक है पता कहाँ लेके जा रहा भाई भाई किडनैप तो ना कर लोगे ना नहीं किडनैप तो ना ठीक है किडनैप किडनैप कर ले यार अबे यहाँ नहीं करता कोई किडनैप भाई बर्फ किस टाइम पड़ती है यहाँ पे ये नवंबर के बाद नवंबर के बाद में अभी आपको सेब का किटी चाहिए ऊपर को ये वो सामने दिख रही है ना हाँ वो ऊपर ये तो दिख रही है तभी हो रहा है मेरे को ना एक आंख दिखा दो भाई ने जगह तो दिखा दिया पता हूँ तुम्हें कहाँ है जगह हैं दिखाऊं ये गोरी देखो ये यो ना यो मड हाउस है भाई भाई कहाँ कैसे जाएंगे बाबे हम कैसे जाएंगे इतने ऊपर वो रहा वहाँ से चढ़ेंगे और ये रही अपनी प्रॉपर्टी चलते दिखा दे आपको वैसे मौसम अच्छा है तो इसलिए गर्मी लग नहीं रही है अपने को बाकी तो ठीक है अब करने पड़ी ट्रैकिंग करेंगे चंद्रशेखर में तो बहुत मारी ट्रैकिंग चंद्रशेखर में बहुत करी है आपको देखते हैं रियल ट्रैकिंग वो भी रियल पहाड़ों में तो देखी जाएगी रुक गया ओए ये क्या लग रहे हैं भाई ये क्या लग रहे हैं सेब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा सेब का पेड़ देखो सेब दिखा दो ये रहा सेब पहुंच गए कितनी ऊपर आ गए हम एक सेब मेरे हाथ में कच्चा है लेकिन ट्राई करके देखते हैं और सिर में दर्द होगा ऊपर चढ़ते चढ़ते लेट्स टेक अ बाइट वो खट्टा मीठा है हा हा फाइनली प्रॉपर्टी पहुंच चुके हैं भाई ओए माय गॉड क्या व्यू है मेरे सामने ये देखो जान निकल गई इसकी जिम जाता है फ्लैक्स मार बेबी बेबी फ्लैक्स मार पागल बे बैग लेकर पर आने चढ़ गया मिस्टर ऊंचो क्या कहना चाहोगे इस प्रॉपर्टी के बारे में तो भाई ये प्रॉपर्टी मैं दिखाऊंगा अच्छी दिखाऊंगा पहले फाइनल लोन दो कि हम इस प्रॉपर्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे भाई इनकी इनकी प्रॉपर्टी है भाई साहब की प्रॉपर्टी तो अच्छी है लेकिन बहुत ऊपर है यार सिस्टम हैंग होगा ऊपर से लेकर नीचे तक का इसका एक बम्बू टूट गया तो गोलमाल वाला वही है वेलकम वेलकम हां वेलकम एक बम्बू गया यार हम नीचे गए हां वेलकम वाला खेल खेलेंगे हम अब मम्मी पहाड़ पे आ गए चलो भाई फाइनली तो मैं दिखा देता हूं अपनी प्रॉपर्टी जो हमने ली है जो कि काफी ज्यादा मस्त है ये देख लो ऊपर पहाड़ वहाड़ है सारे ठीक है एंड पहाड़ के पीछे ये प्रॉपर्टी है इसमें यहाँ पे दो रूम है भाई ठीक है किचन भी इसके अंदर है वॉशरूम भी इसके अंदर है यहाँ पे भी दो रूम है और इसके नीचे भी वॉशरूम है
यहाँ पे है भाई झरना, तो यहाँ पे जाएंगे भी नहाने के लिए। और ये तुम सामने का व्यू कितना ही सेक्सी है भाई। वो जा रही है अपनी नदी, वहाँ पड़ रही है बर्फ, तो वहाँ जाएंगे कल, उसका दिखाता हूँ कल का क्या सीन रहने वाला है। प्रॉपर्टी का रेट बता दूँ तुम्हें, बता दूँ 4,500 रुपये। और यो भाई है जिसकी प्रॉपर्टी आएगी, तो इनके पास कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं डिटेल वगैरह सबको दे दूँगा। चले भाई। और हाँ, खाने पीने का सिस्टम भी नीचे जुगाड़ है, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो तुम अंदर का रूम दिखाता हूँ एक बार। अरे बाबा मैं पढ़ना हूँ बस। यहाँ पे है भाई अपना लिटिल गेट, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है इसको बंद करते हुए। ये रहा अपना रूम, ठीक है। चेयर, गेम, म्यूजिक सिस्टम, बेड, और ये आदमी, एंड ये रहे अपन। और ये है भाई किचन। भाई ये क्या इस साइड वॉशरूम, बाथरूम? वैसे किचन वॉशरूम होता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन कर दिया बनाने वाले ने बना दिया, ठीक है। ये अपना पास यहाँ पर मसाले वसाले मिल जाएगी, किचन अपना सिस्टम ये रहा। एंड भाई ये नेचुरल पानी आता है भाई इधर से, बिल्कुल पहाड़ों वाला, चिल्ड चिल्ड। तो ये बर्तन वर्तन है, मतलब काफी सही सिस्टम है देखने के लिए ना, बढ़िया सिस्टम है। दूसरा रूम भी दिखा देता हूँ। नीचे दो रूम है, ये देख लो ये रूम है, एंड ये देख लो ऊपर से सब, ठीक है। तो कुछ ये सीन है, नीचे भी है रूम, बट वो अभी छोड़ दे, बाद में दिखा दूंगा, टाइम लगेगा जब। देखो ये देखो हमारी लास्ट पड़ी है। आगे स्वाद। यो बंदा पता मेरे कह रहा था कि ना ऐसा चढ़ दूंगा, एनू कर दूंगा पहाड़न पे। अरे ये पड़ा। चलो भाई फाइनली अपन रेडी हो चुके हैं नहाने धोने के लिए। ये रहे मेरे कपड़े जम जमा जाकर पैर में, ठीक है ना। अभी चल रहे हैं झरने पे। बॉडी तो मेरी खैर है ना, लेकिन मैं फिर भी फ्लैक्स मार देता हूँ। मैं पहले मेरी अच्छी खासी बॉडी थी, बट फिर मैंने ना थोड़ी छोड़ दी जिम करनी छोड़ दी, सिंपल छोड़ दी ना। और मैं चप्पल भी चुरा ली भाई, बड़ी मुश्किल से मिली चप्पल, लड़ाई हो रही थी चप्पल छोड़ दे मेरी। देखा ओए चप्पल छोड़ भाई, मैंने बहुत पैर पकड़ ली थी मेरी, मैंने अरे चल ना मेरे पास चप्पल ना भाई। लो भाई झरना तो सस्ता मिला हमें, तो इससे काम चला लेंगे। चिल्ड पानी को तई बीमार हो जाएंगे रे। चप्पल चलो भाई फाइनली अपन नहा चुके हैं, ठीक है। ये अपना ये पीछे झरना आ रहा है छोटा सा, ये ऊपर जा रहा है, ये वहाँ से, ठीक है। बट भाई पानी थोड़ा सा कम है, तो अपन ने क्या करा थोड़ा बहुत यहाँ एंजॉय करके, और यहाँ अपन नहा रहे हैं, ठीक है। गाइस नहा के चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ठीक है। अपना करिए नीचे कमर तक आना जी मेरे को। ले भाई सोना बच्चा बन के अपन निकल रहे हैं अपने उसके लिए। क्या कर रहा है साफ है मेरी नाक यार, मैं साफ सुथरा बाड़ा गया। एंड झरने के फूल मजे ले लिए, नेचर के फूल मजे ले लिए। आप चल रहे हैं मार्केट में घूमने के लिए, पहले जाके कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, वरना लड़कियां क्या पता हमारी फैन हो जाए, हमारी फैन हो जाए। तेरी फैन हो जाए। देखा वीडियो मैंने तेरी कही है यार, देख इतना स्मार्ट लौंडा मार दे क्यों। एंड ये रोज फॉर माई मॉम, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो हमारी है ही नहीं। अरे मौसम तो बदलता जा रहा है। फाइनली अपन सब रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये सब भी रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, एंड अब चलते हैं भाई इस खूखार रास्ते से होते हुए, जाएंगे पहले ऑटो वाले के पास से जाएंगे, फिर माल रोड, ठीक है। माल रोड पे सुना है मैंने बहुत सारा माल मिलता तो माल रोड चल रहे हैं, वहाँ कुछ खा पी गएंगे, सुबह तो कुछ खाया ना हमने बालकन में। तो चलो भाई फाइनली चलते हैं नीचे, जितने भी मतलब यहाँ पे घूमने की जगह वो घूम फिर खाते हैं, और अपना जो नाइट का जो मज़ा है मनाली के अंदर वो एक्सप्लोर करते हैं, एंड बताते हैं आपको क्या कॉस्टिंग क्या मतलब जो भी कुछ पड़ेगा सब बता दें, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, एंड सबसे पहले तो ये जो मंजिल है ना भाई, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ तक, ये हमारे लिए थोड़ी सी टफ है, बट जो ऊपर से जो नज़ारा आता है भाई वो अल्टीमेट है। तो कभी भी इन फ्यूचर कभी आ रहे हो तो भाई दोस्तों के साथ आ रहे हो ना, तो एक बार इस जगह पर ज़रूर रुकना, प्रॉपर्टी पर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यार देखा सामने का व्यू कितना तगड़ा है। तो अब आ गए हम नीचे, ठीक है, और तुम्हें दिखाऊं हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है। बता दिख रही है तुम्हें, अभी दिख रही है ए, वो दिख रही है, ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कितनी ऊपर है, उसके हिसाब से रेट भी कम है यार, ठीक है रेट भी ठीक है। जोरदार गाड़ी के अंदर बहुत
जाल मूवी 50 लोग भाई हमारी जिंदगी में इतना रहेगा कि यहाँ तक गाड़ी करो, वहाँ होटल जाओ, होटल तक गाड़ी करो, यहाँ आओ। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट देखते हैं कहाँ है, बस स्टैंड वहाँ पे है एंड अपने गाड़ी वाई टैक्सी तुम्हें मिल जाती है अपने रोहतांग वोहतांग के लिए, सोलांग वैली वगैरह जो भी है ना वहाँ के लिए सब जगह टैक्सी यहीं से मिलती है। तो अभी फिलहाल चलते हैं मार्केट, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। चलो लो भाई ये सीढ़ी रही, यहाँ तक चढ़ेंगे अब ऊपर माल रोड के लिए। ठीक है, तो देख लो कोई लोकेशन आसपास की एंड ये सीढ़ी रही, चलते हैं यहाँ से चढ़ते हैं माल रोड। ले भाई आगे माल रोड, बहुत सुने इस रोड के बारे में, जस्ट चेक इट आउट, चेक इट आउट। भाई भीड़ तो है, खैर देखियो लंबी भीड़ है भाई साहब। तो फिलहाल तो अभी मैं कुछ खाने का ढूंढना क्योंकि मैं गया और दीपक कहाँ है तो पता है, जब यहाँ पे स्नो पड़ा है तब अच्छा लगा ये एरिया, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। अभी तो स्नो है ही ना, अभी तो हम गलत आ गए, किसी के चक्कर में आ गए, साउथ इंडियन पे आ गए। मुझे लग रहा है मेरी फोटो खींचेगी यहाँ ढंग की। लो भाई कुछ हो तो ना, लेकिन बाहर के व्यू अच्छा है यहाँ से। ठीक है लो भाई अपना खाना भी आ चुका है, ठीक है करते हैं भोजन भाई। फाइनली खाना खा चुके हैं, ठीक है एंड देखो ये था जो मतलब काफी ठीक ठाक था खाना, जो थाली थी ना वो बढ़िया थी, बाकी भी सब कुछ ठीक ठाक था। क्या होगा तो भाई ये है जहाँ से हम अपना टूर वूर बुक कर रहे हैं, बुक कर दो बताता हूँ ठीक है क्या सिस्टम है। ए यूरो चलो भीतर पहले बात कर रहे। लो भैया अंकल तो हमने अपनी गाइड बुक करवा ली है, ठीक है। ओ माता दी, जय माता दी भाई, माता जी का टेम्पल है ये तो। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो प्लान ट्रिप है वो तो देख लो भाई, देखो बैठे बालक देख रहे हैं, जैसे कोई ना कोई पत्थर उतल देना आएगा ना ऐसे बैठे ही दे हो रहा है मेन हीरो। लो जी फाइनली अपन आ चुके अपने कॉटेज, ठीक है भाई सारे सारे अंदर चले गए हैं एंड मैं बैठा हूँ बाहर, क्योंकि मेरे सामने जो नज़ारा है वो तो मैं दिखाऊंगा ना तो तुम कहोगे ओ भाई। तो एक बार तुम देख लो नज़ारा, देखो ये देखो भाई वहाँ से ना वहाँ से झरने की आवाज़ आ रही है, झरने मतलब नदी की आवाज़ आ रही है एंड ये देखो भाई पूरा पूरा मनाली, बस ये पेड़ बीच में आ रहा है यार, पेड़ नहीं होता तो पूरा वहाँ से वहाँ तक ये देखो एक नंबर का मजा आ रहे हैं। और ठंड भी हो रही है, अब तो ठंड सी लग रही है, तो जाकर फटाफट सोता हूँ ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ वीडियो एडिट करने से पहले कि भाई जब भी कभी आ रहे हो, कभी ट्रिप कहीं की भी कर रहे हो ना, तो पहली बात हमेशा प्लान करके चलना चीज़ों को, अगर प्लान करके नहीं चलोगे तो आज जो हमारे साथ हुआ मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरा तो मूड ख़राब हो चुका था। तो सीरियसली बता रहा हूँ कभी कुछ कभी कहीं पर जाते हो तो भाई पूरा प्लान करके जाओ और ऐसे बंदों को लेकर जाओ जो एटलीस्ट आपकी सुने, ठीक है ये नहीं कि मतलब आप मतलब होती है कुछ चीज़ें, तो हमेशा प्लान करके चलो, कुछ भी जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो तो प्लान करके चलो अपना, ठीक है एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी हुआ तो तुम भाई पूरे वाले फंस जाओगे। और मनाली की बात बताते तुम्हें, मनाली का भाई सिस्टम ऐसा है यहाँ पे हर कोई हर एक बंदा तुम्हें लूटने के पर्सपेक्टिव से बैठा है भाई, जो चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की मिलती है ना वो यहाँ पे तुम्हें वो बोलेंगे कम से कम भी 300 रुपये की, लाइक भाई हमें वहाँ से कहीं से आना था यहाँ तक आना था तो 100 रुपये उसके मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो 100 रुपये है, तो भाई वो बोल रहे हैं कि भाई हमें 500 रुपये चाहिए और रात का टाइम था तो हमें भाई देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई इन्हें खुद को सोचना चाहिए कि यार टूरिस्ट प्लेस है तो हम आ रहे हैं, तो भाई एक तरह से होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखे भाई टूरिस्ट का, थोड़ा सा सपोर्टिव रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लोग अच्छे हैं कुछ कुछ लोग बुरे हैं, बट मैं ऐसे कुछ ऐसे नहीं कह नहीं सकता कि भाई सारे लोग बेकार हैं, तो सही है बट जो भी है तो अपना हमेशा प्लान करके चलो। तो ठीक है एंड कल मिलते हैं, कल हम जा रहे हैं भाई ट्रैक के लिए, तो वो वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखना क्योंकि मे बी हम ट्रैक कर सकते हैं एंड मे बी हम जा सकते रोहतांग पास जा सकते हैं, अटल टनल जा सकते हैं और शिशु भी जा सकते हैं, क्योंकि अनप्लैंड है एज ए मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि अनप्लैंड है सब कुछ, तो कुछ भी पता नहीं भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इनका इनने जो प्लान करा है वो करा है, मैं अब बहुत अलग हूँ, जान लेके जाएंगे मैं चला जाऊँगा। ठीक है तो ठीक है इसके बाद इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आज इस वाली वीडियो में इतना कुछ खास था नहीं मुझे भी पता है, बट ठीक है मैंने थोड़ा सा लाइक दिखाया मनाली जो है जो हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो प्राइस है भाई 4,500 रुपये अपना ये कॉटेज पड़ा है भाई, टू बी ऑनेस्ट ये लोकेशन कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है
फुटेज भी अच्छा है, किचन वगैरह सब कुछ है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, ठीक है। बंदा जो है वो सपोर्टिव भी है, ठीक है, और बार्गेनिंग भी कर ली उसने भाई हमारी, हमने बोला कि अगर दो दिन के लिए लेते हैं तो थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं तो कर लेगा वो। तो तुम्हें अगर चाहिए हो तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, तो तुम कर सकते हो कॉटेज वगैरह। एंड अपना खाने पीने का बताऊँ तो भाई खाने पीने का है हल्दीराम से थोड़ा सस्ता। मैंने हम गए थे भाई माल रोड पे, तो वहाँ पे मैंने दिखाया भी था, तो वो है भाई हल्दीराम से थोड़ा सस्ता, बट ठीक है। उसकी जो थाली है, मतलब अगर आपको घर वाला खाना खाना है तो आप उसके खाना खा सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, पर पर्सन हमारे अभी तक लगे 2,500 रुपये। तो ठीक है, चलते करते इस वीडियो के एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।